धे राधे आप सभी कैसे हो उम्मीद करते हो आप सब बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे आनंद ले होंगे तो आज अभी मैं बनाने जा रही हूँ पास्ता क्योंकि प्रयाची गई है स्कूल और वो वा आने वाली है दोपहर तो में तो उसके लिए मुझे ना पास्ता बनानी है क्योंकि मैंने सुबह बोला था कि हाँ मैं बना दूँगी मतलब रात में बोला था कि मैं बना दूंगी लेकिन मैंने सुबह बनाया नहीं और उसको खुल गया है और यहाँ पे मसाले दानी जो है ना मैंने धो रखे थे तो उसको मैं मतलब जितने खाली हो गए थी ना मसाले वो सब मैंने धो रखे थे तो बस इसको अब रिफिल करने जा रही हैं मसाले सब भरने जा रही हैं उसके अंदर तो बस भर लूँ और पास्ता भी मैंने निकाल के रख दिया है और प्याज वगैरह भी अभी काटूँगी सब धो लिया है बस इसको काटना है और फिर बनाना है और मैं थोड़ी देर के लिए ना सो गई थी कामों में निपटा के और क्या कहते हैं उसके बाद से मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी तो अभी फिलहाल में मैं ना बना रहे थे क्योंकि मुझे अभी साढ़े बारह बज रहे हैं और दोपहर तो के और डेढ़ बजे प्रियाशी को लाना भी है तो उसके लाने से पहले मैं सोच रही हूँ बना दूँ खाना पीना मतलब उसके लिए नाश्ता बना दूँ पी आएगी तो खाएगी तो यहाँ पे दोस्तों मैं यहाँ पे ना मसाले सब इसी के अंदर मैंने भर दिया है मतलब जो भी मसाले थोड़े बहुत ख़त्म हो गए थे ना तो मैं जब भी ख़त्म हो जाते ना इसमें के मसाले इन कटोरों में के तो मैं इनको धो के और सुखा के फिर मैं इनमें मसाले रिफ़िल करती हूँ मैं ये नहीं कि थोड़ा सा मसाला है तो मैं इसी के ऊपर से डालती रहती हूँ ऐसा नहीं है तो इसको मैं धो देती हूँ जो जो ख़त्म होता जाता है तो मैं धो के ही और इसमें रिफ़िल कर रहे हैं तो इसमें मसाले सारे तो यहाँ पर दोस्तों मैंने टमाटर भी कट कर लिया है और प्याज को भी कट कर लिया है धो के और इसमें ना क्या कहते हैं लहसन और अदरक है उसको मैंने कोट लिया पेस्ट नहीं बनाई मैंने मैंने सोचा इसी खड़ा खड़ी मतलब भून के ही बनाऊँगी और बस पास्ता को मैंने बॉयल नहीं किया क्योंकि मैं कुकर में बना रही हूँ तो क्या कहते हैं इसको मैं धो के उसके बाद से मैं कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी तो चलिए फटाफट से मैं बना लेती हूँ क्योंकि टाइम भी होने वाला है आधा घंटा ही बच्चा है तो फटाफट से पहले बना लिया जाए और यहाँ पे ना मैंने मसाला भी निकाल दिया है जैसे कश्मीरी लाल मिर्च लाल मिर्च पाउडर और नमक गरम मसाला हल्दी और धनिया पाउडर ये मैंने बस ले लिया है और इसके अंदर पास्ता के अंदर डालने के लिए ना मैंने कोई भी चीज़ मतलब आलू और जैसे मटर मतलब डालते हैं ना ये सब मैंने नहीं ऐड किया क्योंकि मेरी बेटी को ना पसंद ही नहीं है ये सब चीज़ तो क्योंकि अगर डाल भी दोनों तो छाट छाँट के ना सब फेंक देती है और बस पास्ता ही उसे चाहिए तो पहले मैं बना लेती हूँ फिर आप लोग से दोबारा मिलती हूँ तो यहाँ पे मैंने गैस पे कुकर चढ़ा दिया है और बस मैं मस्टर्ड ऑयल थोड़ा ऐड करूँगी और इसी में ही मतलब जो भी मैंने प्याज़ वगैरह जीरा ये सब डाल के मैं इसको भून लूँगी और वेजिटेबल्स जब डाला जाता है ना तो अच्छा लगता है लेकिन मेरे प्याजों को बिल्कुल सिम्पली अच्छा लगता है वैसे तो मैं ना बॉइल करके ही बनाती हूँ लेकिन ना अभी टाइम हो रहा है ना इसलिए मैं कुकर में ही बना रही हूँ और हमेशा मैं ना ये जो मकरोड़ी है ना इसे आप लोग पास्ता भी कहते हैं मकरोरी भी कहते हैं तो इसको मैं धो के मतलब यूज़ करती हूँ क्योंकि ना ये जब है ना तो जैसे हम लोग लाते हैं ना तो जैसे कभी कभार पैकेट वाला लाते हैं तो कभी कभार खुले में लाते हैं तो मिट्टी वगैरह बैठी रहती है इस वजह से ना धो के यूज करना होता है नहीं तो बॉईल करके तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से बना लेती हूँ क्योंकि मुझे लाना भी है उसे और डेढ़ मतलब डेढ़ बजे का मतलब छुट्टी होती है स्कूल की तो मुझे डेढ़ बजे जा कर आना भी है और उसके लाने से पहले मुझे ना बना देना है खाना तो यहाँ पर मैंने ना पानी भी ऐड कर दिया है और बस मैं कुकर का ढक्कन लगा दूंगी और मेरे पास ना आप लोग देखिए एक छोटा गिलास और एक बड़ा गिलास है जैसे लस्सी पिया जाता है ना पंजाबी वाला जो गिलास होता है वही है मेरे पास दो तो ये मेरी मम्मी ने मेरे को दिया था गाँव से ला दिया था मम्मी ने मेरे को ये बड़ी वाली गिलास दो तो मतलब आधे लीटर का गिलास है ये और यहाँ पर मैंने कुकर को भी मतलब मतलब कुकर का ढक्कन लगा दिया है और गैस को थोड़ा मीडियम पर कर दिया है ताकि अच्छी तरह से पक जाए दो सिटी में हो जाएगा मकरोरी बढ़िया से और यहाँ पर न जो भी थोड़ा बहुत बर्तन है वो सारे बर्तन में धो लेती हूँ और उसके बाद से फिर मैं जाऊँगी लाने तो अभी फ़िलहाल ने बर्तन धो ली थी और जो भी मैंने प्याज वग़ैरह काटे थे तो एक ना पेपर पे मैंने काटा था तो बस उसको मैं रखने जा रही हूँ क्योंकि बाहर ही मेरा कूड़ा जो डस्टबिन है वो बाहर है तो बस बर्तन धो लिया जाए तो दोस्तों यहाँ पे ना पास्ता बन के चटपटा सा रेडी हो चुका है और अब मैं जा रही हूँ प्रियांशी को देने देखती हूँ क्या कहती है तो चलिए अब मैं ऐसा दे दो क्योंकि आते कह रही मम्मी पास्ता बना दिया मैंने कहा प्रियांशी कैसा अच्छा चलो खा लो आराम से ठीक है तो हाथ पैर तो धो लेती कपड़ा तो ड्रेस चेंज कर लेती तो फाइनली प्याजे को मैंने दे दिया है और आप लोग ने देखा कैसे मतलब पास्ता के लिए मतलब तो चटपटा चीज़ के लिए ना बहुत वो रहती है हरी सब्जी खाएगी नहीं इसलिए जब भी हरी सब्ज़ी जो भी लेके आती हूँ ना तो मैं पराठे ही बना के देती हूँ चाहे साग हो गया चाहे भाजी हो गया अब मैं कृष्णा को दे दे रही हूँ उसको उतना पसंद नहीं है लेकिन फिर भी उसको दे दे रही हूँ थोड़ा सा और थोड़ा सा मैं भी ले लेती हूँ तो ये को पहले मैं दे देती हूँ उसके बाद से आपसे मिलती हूँ और अभी हो रहे हैं शाम के टाइम और मैक्सिमम अभी साढ़े सात बज रहे हैं और यहाँ मैं ना जैसे कि गुड़ वाला जो चिक्की होती है मतलब पट्टी वो मैंने बनाया है तो अभी बना के मैंने रेडी कोई वीडियो मैंने शूट नहीं किया था इसका और आज है नेक्स्ट डे आज है बृहस्पतिवार और सुबह की मेरी पूजा हो चुकी है और तुलसी दल मैंने सभी को अर्पित किया है अपने ठाकुर जी को और बृहस्पतिवार को ना सातवार का जो कथा थी वो मैं पाठ करती हूँ ना बृहस्पतिवार का और सीधा मैं दोपहर में मिल रही हूँ आप सभी को प्रियांशी को स्कूल से लेके आ गई हूँ और प्रियांशी अपना मतलब बिस्तर पर बैठ के मोबाइल देख के रोटी खा रही है और यहाँ पर देखिए आते ही वो ना जैसे कपड़ा चेंज वगैरह करती है हाथ पैर धोती है तो यह मॉइस्चराइज़र लगाती है और जहाँ रखती है वहीं रख देती है जहाँ मतलब यूज़ करती है और यहाँ पे मैंने रात को ही ना मतलब साग मैंने साफ कर लिया था सरसों और पालक मेथी है मेथी नहीं है मतलब बथुआ है तो इसको मैंने साफ़ कर लिया था अब इसको मैं बनाऊंगी तो अभी फिलहाल में ढाई बज रहे हैं दोपहर के तो बस मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि सोच रही हूँ क्योंकि इन सब में ना टाइम भी लगती है थोड़ा बहुत और मुझे न आज से कृष्णा का स्कूल भी खुल गया है क्योंकि ना प्रदूषण के वजह से ना स्कूल बंद थी इतने दिन मेरी बेटी का तो दो दिन पहले ही खुल गया था मतलब प्रियांशी का और कृष्णा का आज खुला है तो वो दोपहर का उसका स्कूल है ना तो वो स्कूल चला गया है मतलब तो उसके बाद से मुझे लाना भी है इस वजह से मुझे ना जल्दी खाना बनानी है क्योंकि आते हुए है ना खाना भी चाहिए और जैसे स्कूल से आते हैं ना तो बच्चों को भूख भी लग जाती है वैसे मैंने उसके लिए ना सोचे जो चीला बना के दूंगी तो चीला भी मैं थोड़ा तैयार कर दूंगी क्योंकि मैं उसे ले कर आऊँगी ना तो थोड़ा बहुत कॉफ़ी और नहीं तो दूध और चीला बनाकर उसको दे दूंगी तो अभी मैं फ़िलहाल में साग को मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लेती हूँ दो तीन पानी से और साफ करने साफ़ करने के बाद ना फिर मैं कुकर में बैठा दूँगी जल्दी हो जाएगा क्योंकि मुझे ना जार में ना इसको मतलब पेस्ट बना के जैसे दर दर सा पेस्ट बनाऊँगी ज़्यादा मतलब ज़्यादा ना लिक्विड टाइप का नहीं बनाऊँगी मतलब ऐसा और इसको बस मैं दो तीन पानी से धो लेती हूँ उसके बाद से कुकर में चढ़ा दूंगी और एक सीटी ले लूंगी मैं तो कुकर में भाजी को धो के और लगे हाथ मैंने रख दिया था इसी के अंदर न तीन हरी मिर्च लहसन अदरक और नमक डालकर और, और इसको मैं गैस पर चढ़ा दूंगी और दो सीटी ले लूँगी और अच्छी तरह से ये जैसे कि उबल जाएगा ना तो फिर मैं ठंडा करके और मिक्सी में इसको ना मतलब थोड़ा सा मोटा दरदरा पीसूँगी और यहाँ पर मैंने ना चीला बनाने के लिए ना धनिया का पत्ता दही थोड़ा रखा हुआ था तो वो मैंने ऐड कर लिया इसमें बेसन थोड़ा बहुत मैं ऐड कर लूँगी और इसी में ना अजवाइन नमक लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हल्का सा गरम मसाला ये सब मैं डाल दूँगी और हल्का सा आमचूर और हल्दी पाउडर ये सब डालकर और इसी में आलू मैंने दो धो के मतलब छिल के धो के घिस लिया है बारीक और इसी को इसमें मैं ऐड कर दूँगी और इसको ना बस पानी डालकर मैं अच्छी तरह से पेस्ट बना लूँगी और लास्ट में मैंने नमक डाला है ताकि अंदाजा मिल सके और बस इसको पेस्ट बना के थोड़ी देर के लिए ना मैं इसे ढक के रखूँगी इसे मैं अभी नहीं बनाऊँगी जब कृष्णा को ले आ जाऊँगी ना स्कूल से शाम के टाइम तब इसे बनाऊंगी अभी फिलहाल मैं मैंने इसको ना बस रख दिया है ताकि आते समय क्योंकि से ना साढ़े छः बजे आएगा तो साढ़े सात बजे उसे कोचिंग भी जाना होता है तो इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी मतलब आ, जो भी है चीला का जो प्रिपरेशन है वो मैंने तैयार करके रख दिया है और एक तरफ मेरी सीटी आ चुकी हैं मतलब ए, ओ वॉयल हो चुका है मतलब एक सीटी और ले लूँगी और यहाँ पे ना मैं चाय बना रही हूँ क्योंकि आज मतलब कोई भी काम करो ना एक गलत होती है मेरे चार बजे की जैसे चाय वो पीती है तो वही है तो मैं ही आपको लोग दिखा रही हूँ कि चीनी मेरी खतः है मैं चीनी के बदले ना आजकल ना जैसे दिवाली के जो बतासे होते हैं ना वही मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ और इस बार ना मैं दूसरी ओ जैसे ओखली होती है ना छोटी वाली वो मैं लेके आई हूँ एक तो लहसुन प्याज कूटने के लिए है ये वाला और ये जो पत्थर वाला है ये बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए तो इसमें ना बहुत अच्छी जैसे कि हम कोई हलवा या कोई मतलब मिठाई बनाते हैं ना जैसे घर पे तो वो इसमें ना इलायची पाउडर बनाने के लिए बहुत अच्छा है तो इसमें मैं अदरक इलायची ही कूटती हूँ उसमें लहसन प्याज नहीं कूटती उस वाले में और यहाँ पर मेरा दूध नहीं था आज तो पैकेट वाला दूध था जो दस रुपये के मिल जाती है तो वो मैं ना इस, एक्स्ट्रा रखी रहती हूँ तो उसी को मैंने निकाल लिया है मतलब एक कप चाय बन जाती है सूखी जो होती है ना मिल्क पाउडर वही है तो बस चाय जो मतलब चाय के पानी जो मैंने गर्म करने के लिए बैठा रखे थे, थे ना उसी को ही मैंने थोड़ा इसमें डाल दिया है क्योंकि मुझे ही पीना है प्रियांशी पिएगी पता नहीं है कि नहीं लेकिन थोड़ा सा उसे दे दूँगी क्योंकि ठंड का समय है थोड़ा बहुत पी लेते हैं तो थोड़ा बहुत गर्माहट भी रहती है क्योंकि ठंड भी है शुरू हो चुकी है तो यहाँ पर बस मैं अच्छी तरह से मिला लिया है दूध को पाउडर को घोल लिया है और इसे मैं बहुत बढ़िया भी लगता है ये चाय पीने में मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है मैं जब भी जाती हूँ ना दूध दूध लाने तो मैं ये दो पाउडर जरूर लेके आती हूँ बस मैंने सोचा है कि डिब्बा एक मंगवाऊँगी नेक्स्ट डे का तो यहाँ पे मैंने मेरी चाय भी बन चुकी है और मेरी जो साग है वो भी उबल चुका है तो गैस ऑफ कर दिया है तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने आधे कप प्रियांशी के लिए लिया है और अपने लिए लिया है तो यहाँ पे प्रियांशी बैठ कर ना मोतियाँ जो भी है वो अपना मतलब लगा रही थी और इसका ट्यूशन का भी टाइम होने वाला क्योंकि ये ना साढ़े बजे ट्यूशन जाती है तो यहाँ पर मैं प्रियांशी बैठे हुए हैं और बस मैं इससे कह रही हूँ क्या कर रही हो तो ये सब पता नहीं कहाँ से ये मोतियाँ मिल गई हैं दिखे दिखे इसकी फ्रेंड दी होगी तो वही बता रही थी क्योंकि ये ऐसी चीज़ में मेरे पास नहीं है और ना मैं रखती हूँ तो बस उसको मैंने कहा कि टाइम होने वाला है ट्यूशन जाना है तो चाय वग़ैरह पी लिया जाए तो चले फ्रेंड पहले चाय पी लेते हैं उसके बाद तो यहाँ पर ना मतलब जो साग है वो उबल चुका है उसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था और लगे हाथ तो में दाल भी बना रही हूँ मसूर की और अरहर के दाल मिक्स तो जैसे दाल फ्राई लास्ट में जैसे दाल बना के लास्ट में दाल फ्राई करते हैं ना तो मैं पहले ही कर दे रही हूँ मतलब कि प्याज़ वगैरह लहसुन वहन या जो भी टमाटर है पहले ही मैं डाल के मतलब फ्राई कर लेते उसके बाद से ना ऊपर से मैं दाल को मतलब इसमें भून के और तब मैं ऐड करके तब में बनाती हूँ तो यहाँ पर दाल बन रही है और लगे हाथ जो जो साग है ना वो ठंडी हो चुकी है तो जार में डाल के हल्का सा दर दरा में पीसूँगी ज़्यादा बारीक नहीं क्योंकि मैंने ना साग को काटा ही नहीं था ऐसे साबुत मैंने धो के और कुकर में चढ़ा दिया था आप लोगों ने देखा ही था तो बस इसके अंदर ना बस इसको पीस लूँगी और पीसने के बाद फिर जैसे और बहुत ही अस, मतलब सबकी अलग अलग तरीका होता है साग बनाने का तो बहुत से तरीके होते हैं तो मैंने सोचा था कि ना वो मक्के का आटा वाला जैसे बिल्कुल लिक्विड टाइप में मैं सोच रही थी बनाने के लिए फिर मैंने सोचा नहीं चावल के साथ ना अच्छी लगती है साग मुझे तो चावल के साथ अच्छे लगते हैं। बाकी लोग को तो रोटी के साथ और मक्के के रोटी के साथ अच्छी लगती है तो मक्के का आटा नहीं था मेरे पास फिलहाल में अभी और ये उसके बाद से ना मैंने ये सारे निकाल लिया है पीस के जार में से और थोड़ा सा मोटा ही दर, दर दरा रखा है और बस टमाटर और प्याज और लहसुन अदरक मैंने पहले ही कट करके रख लिए थे हरी मिर्चा पहले ही मैंने कुकर में ही कर लिया था क्योंकि ज़्यादा तीखा होगा ना तो फिर खाया नहीं जाएगा तो बस यही है तो बस हल्का सा अब कढ़ाई रख दिया है और मस्टर्ड ऑयल डाल दूँगी थोड़ा सा और इसमें हींग और जीरा डाल के और उसके बाद से जो भी और तो यहाँ पे दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है मैंने और इसी के अंदर हींग जीरा डाल दिया है और सूखी मिर्च डाल दिया है और प्याज जो कटी हुई है वो भी डाल दिया है लहसन अदरक का भी मैंने जो कट कर रखी थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है और उसके बाद से ना इसको अच्छी तरह से भून लूँगी भूनने के बाद इसके अंदर टमाटर को ऐड कर दूँगी और थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी ताकि अच्छी तरह से गल जाएगा प्याज टमाटर जो भी है ये सब अच्छी तरह से घुट जाएगी तो मक्के का आटा नहीं था वरना में और भी मेरा टेस्टी बनता लेकिन मक्के का आटा के बगैरी में बना रही हूँ साग जरूरी नहीं है मक्के का आटा डालना वैसे मक्के का आटा डालते हैं तो मतलब साग में थोड़ा हट के मतलब स्वाद आता है तो नहीं था तो बस मैंने ऐसे सिंपली बनाया है तो बस ऐसे ही नमक डाल दिया है और इसको अच्छी तरह से मैं पका लूँगी और ये अच्छी तरह से घुट जाएगा क्योंकि नमक डालते समय ना ये घुट जाती है अच्छी तरह से जल्दी गल जाती है उसके बाद से मैं इसके अंदर थोड़ा बहुत मसाले ऐड करूँगी गरम मसाला धनिया लाल मिर्च पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर हल्दी हल्की सी मैंने डाल दिया है और हल्का सा ही नमक डालूँ क्योंकि मैंने ना जब उबाली थी ना साग उसी समय मैंने थोड़ा बहुत ना नमक डाल के ही उबाला था इसलिए थोड़ा सा ही मैंने ऐड किया है और उसके बाद से मैंने साग को इसके अंदर डाल दिया है और अच्छी तरह से चला लूँगी और इसके ऊपर से घी नहीं तो मक्खन में ऐड करूँगी वैसे तो मक्खन ही है मेरे पास घी ख़त्म हो चुका है तो मक्खन है तो मक्खन इसके अंदर ऐड करके और इसको अच्छी तरह से मैं चला लूँगी तो देखने में आप लोग देख सकते हैं ना कितना अच्छा लग रहा है देखने में तो चावल के साथ ना ऐसी साग अच्छी लगती है तो मुझे ना थोड़ा बहुत ऐसे हल्का सा मोटा टाइप में ही मतलब साग अच्छा लगता है खाने में चावल के साथ दिन की रोटी रखी हुई है चार तो जैसे खाना होगा मतलब बच्चे खा लेंगे नहीं तो मैं खा लूँगी तो हस्बैंड जी खा लेंगे गर्म कर दूँगी तो यहाँ पे साग बन के रेडी हो चुका है तो इसको मैंने निकाल लिया है और इसको मैं ढक के रख दूँगी और यहाँ पर दाल भी मेरी हो बन चुकी है तो इसको भी मैंने पलट दिया है क्योंकि मुझे ना बर्तन वगैरह भी धोना ही है जैसे कुकर वगैरह सब मैं धो के ही तब मैं जाऊँगी तो यहाँ पे दाल बन गया तो में और और जो सिंक में बर्तन है उसे मैं धो लेती हूँ पहले तो दोस्तों फाइनली घर का सारा काम मेरा हो चुका है शाम के अभी मतलब पांच बजने वाले हैं और इसलिए मैंने आज जल्दी खाना बनाया क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है और जब खाना बनाने का समय होता है ना तब मुझे कृष्णा को लाने होता है मतलब छः बजे मेरे को जाके लाना होता है मतलब आधा घंटा लग जाता है उसको लाने में स्कूल से और दूध भी मैं लगे हाथ तो वहीं से ही ले आती हूँ तो किचन का भी मैंने काम पूरा कम्प्लीट कर लिया है और कमरे को भी मैंने अच्छे से नीट और क्लीन कर लिया और प्रिया जी गई है ट्यूशन तो बस कमरे को भी साफ़ सुथरा कर दिया झाड़ू वगैरह कर दिया है और आप लोगों को किचन भी दिखा देती हूँ मैं तो किचन का भी सारा काम हो गया तो बस मुझे आके चावल बस बना बनाना होगा तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं किचन का भी बर्तन वगैरह जितने भी सिंक में थे सब साफ़ कर दिए हैं और सब रख दिया है तो लाइट ऑफ कर दे रही हूँ तो वह शाम को मतलब जब आ जाऊँगी कृष्णा को लेके ना तो दिया बाती उसी टाइम करूँगी और मतलब कृष्णा को ले आने के बाद दिया बाती करके और उसके बाद से मैं चावल बस बैठा दूँगी और फिर ना आठ बजे तक ले सभी खा लेते हैं तो दाल वगैरह जो है ना वो गर्म कर दूँगी चावल गरम गर्म ही बनाऊँगी तो मैं इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करना चाहूँगी उम्मीद करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए राधे राधे हरे कृष्णा जय माता दी बाय बाय